हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रैक। आज है 18 अक्टूबर 2020। आज हम जितने भी करंट अफेयर है हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा वो भी हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड डे। हाल ही में किस दिन को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया गया है? और इसका ऑप्शन है 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। और इसका आंसर आएगा 16 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 16 अक्टूबर एवरी ईयर। विश्व खाद्य दिवस हर साल को 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस साल का थीम है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, पोषण के साथ साथ बड़ा होना। द डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द फाउंडेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। दिस डे एम्स टू जेनरेट ग्लोबली फॉर दोज हु सफर्स फ्रॉम हंगर एंड टू एंश्योर द नीड फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन डाइट। ये दिन उन लोगों के लिए पूरे विश्व स्तर पर उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है जो भूख से पीड़ित है और उसका खाद्य सुरक्षा और पोषक तत्व कितना लगता है उसका भी सुनिश्चित करना होता है। अबाउट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका चेयरमैन है क्यू डोंग्यू और इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली और स्थापना हुआ था 1945 में। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? इसका ऑप्शन है चेतन भगत, प्रीति सिनोई, शशि थरूर और पीयूष गोयल। और इसका आंसर आएगा शशि थरूर। रिनाउंड ऑथर एंड पॉलिटिशियन शशि थरूर इज सेट टू रिलीज हिज न्यू बुक टाइटल द बैटल ऑफ बिलोंगिंग इन नवंबर 2020। जाने माने लेखक और राजनेता शशि थरूर ने नवंबर 2020 में एक पुस्तक लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम दिया गया है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। द बुक इज पब्लिश्ड बाय एलएफ बुक कंपनी और इस पुस्तक को एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाएगी। ही डिस्क्राइब दिस बुक एज इज मैग्नम ओपस ऑन द थ्योरी इवोल्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ नेशनलिज्म अक्रॉस द ग्लोब स्पेशली इन इंडिया। उन्होंने इस पुस्तक के थ्योरी पर अपना मैग्नम ओपस बताया है जो पूरे विश्व भर में विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद का विकास और अभ्यास दिखाएंगी। अबाउट शशि थरूर, ही सर्व एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रॉम 2002 to 2007। उन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में कार्य किए हैं। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम तिरुवनंतपुरम केरला सिंस 2009। वो 2009 से केरल का तिरुवनंतपुरम से लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सदस्य रह चुके हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट यूनेस्को रिसेंटली। हाल ही में यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है नीरज व्यास, श्रीकांत दातर, विशाल बी शर्मा और नानवदी। और इसका आंसर का विशाल बी शर्मा। On October 14, 2020, Vishal B. Sharma has been appointed as the next permanent representative of India to UNESCO's permanent delegation of India with the rank of ambassador. 14 अक्टूबर 2020 को विशाल बी शर्मा को यूनेस्को के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया भारत की ओर से और उसको राजदूत के दर्जा दिया गया है। He succeeds जावेद अश्रफ 1991 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। वह 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के जावेद अश्रफ का जगह लेंगी। विशाल बी शर्मा इज द थर्ड पॉलिटिकल अपॉइंटी अमंग इंडियन एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स वर्ल्ड वाइड। विशाल बी शर्मा भारतीय के बीच तीसरी राजनीतिक नियुक्ति है पूरे दुनिया भर में राजदूत और उच्च स्मारक के रूप में। आज का 14 क्वेश्चन है, व्हिच रैंक होल्ड्स बाय इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत के द्वारा कितना रैंक हासिल हुआ है? इसका ऑप्शन है 89th, 92nd, 94th, 96th। और इसका आंसर होगा 94th। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 94th आउट ऑफ 107 कंट्रीज इन रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 107 देश में 94 स्थान दिया गया है। इट हैज बीन जॉइंटली पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑन 16 अक्टूबर 2020। ये 16 अक्टूबर 2020 को संयुक्त रूप से वर्ल्ड हंगर जीवन और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा प्रकाशित किया गया है। द रिपोर्ट रैंक द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ 4 इंडिकेटर्स, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये रिपोर्ट ने 4 संकेत जैसे कि अल्प पोषण, बच्चे बर्बाद करना, बच्चे स्टंटिंग और बच्चे मृत्यु दर के आधार पर किसी भी देश का रैंकिंग तय किया जाता है।
आज का पांचवा प्रश्न है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन शक्ति प्रोग्राम, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किए। इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात। और इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ए सिक्स मंथ लॉन्ग एम्पावरमेंट प्रोग्राम मिशन शक्ति ऑन अक्टूबर 17, 2020। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 6 महीने का एक लंबा सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया 17 अक्टूबर को, जिसका नाम दिया गया मिशन शक्ति। द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस एंड टैकल क्राइम अगेंस्ट वोमेन इन द स्टेट। ये जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल शुरू की गई है पूरे राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए। अंडर दिस अवेयरनेस कैंपेन साचे जेंडर बेस्ड सैनिटाइजेशन ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट एक्टिविटी, इंटरव्यूज, वॉयस मैसेजेस, प्रोग्राम्स इन दुर्गा पूजा एंड अदर कल्चरल पेंडेंट्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड। इसके तहत जागरूकता अभियान जैसे लिंग आधारित संवेदीकरण, प्रशिक्षण, कॉर्पोरेट गतिविधि, साक्षरता आवाज, दुर्गा पूजा और अन्य सांस्कृतिक पंडालों में संदेश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिस सिक्स मंथ कैंपेन हैज टू फेजेस, मिशन शक्ति एंड ऑपरेशन शक्ति। 6 महीने का इस अभियान का 2 चरण है, मिशन शक्ति और संचालन शक्ति। छठा क्वेश्चन, रिसेंटली द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हर नेम। हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का निधन हो गया है, उसका नाम क्या है। इसका ऑप्शन है रीता फरिया, नम्रता जोशी, भानु अथैया और ननबदी। और इसका आंसर होगा भानु अथैया। द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया पास्ड अवे रिसेंटली। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया के हाल ही में निधन हो गया है। सी वॉन द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन ऑस्कर फॉर हर वर्क इन द 1982 फिल्म गांधी, डायरेक्टेड बाय रिचर्ड एटनबरो। उन्होंने 1982 में अपने काम के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन ऑस्कर जीता है फिल्म गांधी के लिए, जिसका निर्देशक था रिचर्ड एटनबरो। हर बुक टाइटल द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन वॉज पब्लिश बाई हार्पर कोलिंस इन 2010। उन्होंने 2010 में हार्पर कोलिंस द्वारा द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इन इंडिया दैट हैव मेड द पब्लिक एजुकेशन कंप्लीटली डिजिटल। भारत में कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है जिसने सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरला, कर्नाटका और पंजाब। और इसका आंसर होगा केरला। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री दैट हैव मेड द पब्लिक एजुकेशन कंप्लीटली डिजिटल। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बना दिए। द प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। ये परियोजना कार्यान्वित की है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने। अंडर दिस इनिशिएटिव 37,427 सर्विसेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 16,027 स्कूल्स इन केरला। इस पहल के तहत केरल के 16,027 स्कूलों में 37,427 सेवाओं वितरण की गई है। मोर देन 12,678 स्कूल्स इन केरला हैव बीन एक्सेस टू हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। केरल में 12,678 से अधिक स्कूलों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया गया है। एज पर द रिपोर्ट केरला हैज अचीव्ड 93.91% लिटरेसी रेट इन द कंट्री। एक रिपोर्ट के अनुसार केरल ने 93.91% साक्षरता दर हासिल की है पूरे देश भर में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दाइन, थैंक यू।